दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरे टेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट वाईफाई राउटर अंडर 2000 के बारे में। अगर आपका बजट 2000 रुपए है और 2022 में आप एक बेहतरीन वाईफाई राउटर खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे वाईफाई राउटर जिनको आप खरीद सकते हो मात्र 2000 प्राइस पॉइंट पे। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास 2000 का बजट है और आप एक वाईफाई राउटर लेना चाहते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो यहाँ पे अगर आप सिर्फ वाईफाई में इंटरेस्टेड हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे ही वाईफाई के डिटेल्स मिल जाएंगे जो मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूं, तो आप डायरेक्टली जाके उनको चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे जानना चाहते हो कि कौन सा वाईफाई राउटर आपके लिए बेहतर हो सकता है तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, दबा दो, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। दोस्तों बेस्ट वाईफाई राउटर्स पे आने से पहले, अगर आप वाईफाई राउटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप काफी कुछ जान जाओगे। लेकिन अगर आप वाकई में वाईफाई राउटर्स के बारे में जानना चाहते हो उसको लेने से पहले, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये एक बेस्ट बाइंग गाइड है इंटरनेट के ऊपर मौजूद है जो मैंने बनाया था, आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। एकदम आसान भाषा में मैंने समझाया है वाईफाई के हर एक पोर्शन को, हर एक पार्ट को, हर वो चीज दोस्तों इस गाइड वीडियो में आपको मिल जाएगा जो आप जानना चाहते हो एक वाईफाई लेने से पहले। सो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड होगा कि आप ये वाला गाइड वीडियो जरूर से जाके देखो। ये वीडियो खत्म होने के बाद ही आप जाके इसको देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अब आते हैं अपने बेस्ट वाईफाई राउटर अंडर 2000 के बारे में। लेकिन अगर आप एक वाईफाई राउटर ढूंढ रहे हो 1000 रुपए के नीचे तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसको मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। ये वाला दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि 1000 रुपए के नीचे आप कौन कौन सा वाईफाई राउटर ले सकते हो, क्या क्या फीचर्स उसमें मिलती है, पूरी डिटेल टॉप 5 वाईफाई राउटर्स की अंडर 1000 रुपीस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप अगर 1000 रुपए के अंदर वाईफाई राउटर को देखना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने फाइनली बेस्ट टॉप 5 वाईफाई राउटर्स अंडर 2000 के ऊपर। दोस्तों नंबर 5 है TP-Link की तरफ से TP-Link Archer C20। जानते हैं इसके की स्पेसिफिकेशंस को। दोस्तों TP-Link Archer C20 को मैं पर्सनली यूज भी कर रहा हूं, तो यहां पे एक बार की स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। दोस्तों अगर मैं बात करूं TP-Link Archer C20 की, तो ये एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर है। दोस्तों यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz और 5 GHz की मिल जाएगी, जहां पे आपको स्पीड दोनों ही बैंड के साथ अलग अलग देखने को मिलेगा, आप यहां पे देख सकते हो। दोस्तों ये वाईफाई राउटर आता है 3 एंटीना के साथ और ये अलग अलग मोड्स के साथ भी आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं वारंटी की, तो 3 साल की वारंटी आती है। और यहां पे प्राइस पे आने से पहले अगर मैं बात करूं इसकी पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो यहां पे ये राउटर काफी ज्यादा बेहतर है। आप बजट में अगर ये राउटर लेना चाहते हो तो आप आग बंद करके इसको ले सकते हो, 24 आवर आप ऑन करके रखो, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों रिकमेंडेड यहां पे ये होगा कि अगर आप 500 square feet के घर में रहते हो तो आप यहां पे आराम से 5 से 8 डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करके चला सकते हो। दोस्तों काफी अच्छा एक राउटर है बजट में। इसकी प्राइस है दोस्तों 1599 रुपीज। दोस्तों नंबर 4 पे है MI की तरफ से MI राउटर 4A। बात करें अगर इसकी कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे ये जो राउटर है दोस्तों वो आता है 4 एक्सटर्नल एंटीनास के साथ। यहाँ पे बहुत ही इक्वली डिवाइड किया गया है, 2.4 GHz दोस्तों बैंड आपको देखने को मिलेगा दो एंटीना के साथ, और साथ ही 5 GHz वाला जो बैंड है दोस्तों वो आपको बाकी दो एंटीना के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली एंटीनास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दोस्तों इस राउटर में आपको मीमो का सपोर्ट भी मिल जाता है, 2x2 मीमो का सपोर्ट मिल जाता है, और ये एक स्मार्ट चिप राउटर है दोस्तों, डिवाइस को काफी अच्छे से ये मैनेज कर सकता है। दोस्तों वायरलेस स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 802.11 ABGNAC मतलब वाईफाई 5 तक के सारे बैंड्स को ये राउटर सपोर्ट करता है। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि आप इस राउटर को किस कंडीशन में यूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस राउटर की यूसेज की, तो यहाँ पे आइडियल यूसेज कंडीशन होगा दोस्तों 20 डिवाइस को आप कनेक्ट करके रख सकते हो। कितने बड़े एरिया में? 600 से लेके 1000 square feet के एरिया में। तो यहाँ पे आप 1000 square feet तक के एरिया में 20 डिवाइस को आग बंद करके वायरलेसली इस राउटर के साथ कनेक्ट करके रख सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 2000 रुपए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं बेस्ट वाईफाई अंडर 2000 इन 2020 के इस लिस्ट में। नंबर 3 पे है टेंडा के तरफ से टेंडा C8। दोस्तों ये एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर है, 4 एंटीना के साथ आता है, आप पिक्चर्स में यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूं वाईफाई स्टैंडर्ड्स की, तो ये राउटर सारे ही वाईफाई स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है वाईफाई 5 तक। तो वाईफाई 5 तक के जितने भी वाईफाई स्टैंडर्ड्स है इसको वो सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्पीड की दोस्तों बात कर ली जाए, तो यहाँ पे 5 GHz में ये राउटर सपोर्ट करता है 867 MBPS
की स्पीड को और 2.4 GHz में दोस्तों ये सपोर्ट करता है 300 Mbps की स्पीड को। दोस्तों सिक्योरिटी के लिहाज से आपको इसमें हर तरह के प्रोटोकॉल्स देखने को मिल जाएगा और साथ ही ये आता है 3 LAN पोर्ट और 1 WAN पोर्ट के साथ, तो आप आसानी से दोस्तों इसको इंटरनेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत फेस करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब बात करें अगर हम यूसेज की, तो यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में आप इसके साथ 24 डिवाइस को कनेक्ट करके रख सकते हो। मीमो टेक्नोलॉजी के साथ तो दोस्तों ये आता ही है, तो कम से कम 2 डिवाइस को हाई स्पीड यूसेज के साथ ये आसानी से हैंडल कर सकता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। और यहाँ पे साइमल्टेनियसली 24 डिवाइस को आप कनेक्ट करके रख सकते हो। ये रिकमेंडेड फिगर है, ऑफिशियल फिगर दोस्तों 60 डिवाइस की है, बट यहाँ पे दोस्तों मैं रिकमेंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार वाईफाई राउटर ले लो तो आपको रिग्रेट फील ना करना पड़े। सो यहाँ पे अगर आप 24 डिवाइस को यूज करना चाहते हो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में, तो आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो। दोस्तों इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1899 रुपीज से। दोस्तों इन सारे प्रोडक्ट्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके लेटेस्ट प्राइसिंग चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार ना ऑनलाइन प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्राइस चेंज हुआ हो, तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों अब आते हैं नंबर टू पे है मकजी की तरफ से मकजी AC1200। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके की स्पेसिफिकेशंस की, दोस्तों ये राउटर भी हमारा डुअल बैंड वाईफाई राउटर है बाकी राउटर्स के तरह पे। दोस्तों बात करें अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की, तो यहाँ पे ये 2 फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है लेकिन अलग अलग स्पीड के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों 5 GHz सपोर्ट करता है 867 Mbps की स्पीड को, और यहाँ पे 2.4 GHz दोस्तों सपोर्ट करता है 300 Mbps की स्पीड को। 4 एंटीना के साथ आता है, मैक्सिमम डिवाइस 60 ये कनेक्ट कर सकता है, बट मैं बताऊंगा कि आप इसको आइडियली कितने डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे वैन पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लैन पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो वायर के साथ भी। और दोस्तों इसके की फीचर में एक चीज बहुत यूनिक है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर लगा आता है वो मीडियाटेक की तरफ से लगा आता है, तो यहाँ पे आप इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसका खुद का ऐप भी है जिसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट राउटर है 2000 प्राइस पॉइंट के नीचे। डिवाइस ये अच्छे से मैनेज कर सकता है, कब किस डिवाइस को ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है, कब किस डिवाइस को इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस आइडियली कनेक्टेड है ये वो बहुत आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पे आपको एक स्मार्ट राउटर चाहिए तो आप इसको आग बंद करके ले सकते हो। दोस्तों वही बात करें इसके यूसेज की, तो यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 10 डिवाइस तक को कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, आपको कोई दिक्कत फेस नहीं आएगा। 60 डिवाइस आप कनेक्ट करके रख सकते हो, लेकिन उसमें आपको दिक्कत आने वाली है, इसलिए मैंने उस वक्त बोला था कि मैं बताऊंगा आइडियल डिवाइस कनेक्शन कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इसको आसानी से ले सकते हो। ये एक स्मार्ट राउटर है दोस्तों, घर के लिए काफी अच्छा हो सकता है, पेरेंटिंग कंट्रोल भी आपको इसके साथ मिल जाएगा, और साथ ही साथ स्मार्ट ऐप का तो सपोर्ट मिलता ही है। हालांकि इस लिस्ट में जितने भी राउटर मैंने बताया है दोस्तों, उसमें आपको ये चीज मिलता है, पेरेंटिंग कंट्रोल और साथ ही साथ एक स्मार्ट ऐप का सपोर्ट, जिसके थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो अपने यूसेज को, साथ ही साथ कंट्रोल कर सकते हो वाईफाई को। ये टीपी लिंक पे भी मिलता है, ये टेंडा में भी मिलता है, और ये मकजी वाईफाई राउटर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप 2000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स है जो वाईफाई राउटर के साथ आता है, तो यहाँ पे अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इन सारे ही वाईफाई राउटर में ये आपको दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों बात करेंगे इसकी वारंटी की, तो 3 साल की वारंटी आती है, और अमेजोन पे इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1899 रुपीज से। लेटेस्ट प्राइसिंग की लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट वाईफाई अंडर 2000 के इस लिस्ट में नंबर 1 राउटर के बारे में। दोस्तों नंबर 1 राउटर कौन सा है? नंबर 1 राउटर आता है टीपी लिंक की तरफ से, टीपी लिंक AC50। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की, तो वाईफाई स्टैंडर्ड्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें वाईफाई स्टैंडर्ड देखने को मिलता है 802.11 ACNA 5 GHz पे, और दोस्तों हमें देखने को मिलता है 2.4 GHz पे 802.11 NBG। दोस्तों ये तो रहे वाईफाई स्टैंडर्ड्स, वही अगर मैं बात करूं कुछ और जरूरी की फीचर्स की, तो यहाँ पे ये मेमो को भी सपोर्ट करता है, 2x2 मेमो को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे 2 डिवाइस को आप आराम से बीम फॉर्मिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और बड़ी आसानी से हेवी यूसेज को भी ये संभाल सकता है। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं इंटरनेट पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको 1 वैन पोर्ट देखने को मिल जाएगा और 4 लैन पोर्ट दिया गया है, तो 4 डिवाइस को आप साइमल्टेनियसली वायर के साथ कनेक्ट इसमें कर सकते हो। सिक्योरिटी के इंक्रिप्शन के सारे ही फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, WPA, WPA2, WPA2 इंक्रिप्शन जो कि आता है 802.1X के साथ, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से आप एकदम निश्चिंत हो सकते हो इस राउटर के साथ। दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूँ प्रोटोकॉल्स की, तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल यानी कि IPv6 और IPv4 को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूँ कि आपको कन्फिगर करना नहीं आता टीपी लिंक के राउटर को, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, ऊपर आई बटन में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप समझ जाओगे कि किसी भी टीपी लिंक के राउटर को या फिर किसी भी राउटर को फर्स्ट टाइम अगर आप कन्फिगर करते हो, जिसके लिए मार्केट में लोग 500 से 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं, तो उसको आप खुद ही घर बैठे कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल
करना है, आप आसानी से उस वीडियो को देख के फॉलो करके स्टेप्स को फर्स्ट टाइम अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आप कन्फिगर कर पाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, तो आप आसानी से यहाँ पे इसको कन्फिगर भी कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी वारंटी की, तो 3 साल की इसकी वारंटी है और यहाँ पे इसकी प्राइस है दोस्तों 2000 रुपए। लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि कौन सा राउटर लिया जाए, कौन सा राउटर आपके लिए सबसे आइडियल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दो चीज क्लियर कर सकता हूँ आपके लिए। अगर आप एक बजट साइड में राउटर ढूंढ रहे हो तो आप आंख बंद करके TP-Link C20 आप ले सकते हो। उसको मैं पर्सनली यूज भी कर रहा हूँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और 1600 रुपए प्राइस भी है, तो आप आसानी से एक लोअर साइड में एक अच्छा वाईफाई राउटर ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन वाईफाई राउटर लेना चाहते हो तो मकजी और TP-Link दोनों ही एक बेहतरीन राउटर है। आप यहाँ पे TP-Link के साथ भी जा सकते हो, TP-Link ज्यादा भरोसेमंद लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग TP-Link के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज अल्टीमेट चॉइस तो आपकी ही होगी। तो यहाँ पे अगर आप एक बजट में लेना चाहते हो वाईफाई राउटर तो TP-Link C20 आप ले सकते हो। अगर आप एक अपर साइड में 2000 रुपए का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहते हो तो आप आंख बंद करके TP-Link C50 ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप और लोअर साइड में अच्छा राउटर लेना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके सबसे पहले बेस्ट वाईफाई राउटर अंडर 1000 रुपीज का जो मैंने वीडियो बनाया था वो जाके देखिए। वहां पे मैंने 5 ऐसे राउटर को मेंशन किया था जिसको आप खरीद सकते हो 1000 रुपए के आसपास, तो आप पहले वो जाके वीडियो देख लो, हो सकता है उससे आपकी हेल्प हो जाए। और दोस्तों एट द एंड बेस्ट बाइंग गाइड देखना मत भूलना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।